अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप तीरा बॉडी के साथ किस तरह अटैच कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो ये देखिए, अभी हम तीरा जो कि बैक पैनल के साथ अटैच करेंगे। एक पैनल तीरे का आपने बैक पैनल के ऊपर रखना है और एक पैनल जो कि तीरे का है वो नीचे वाली साइड पर रखना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने इन तीनों का जो सेंटर है वो आपने मैच करना है। अगर साइडों से बढ़ रहा है या कम हो रहा है आपने उस चीज़ का एहतियात नहीं करना, वो छांटी हो जाता है, मसला कोई नहीं। आपने इसका सेंटर लाजमी फॉलो करना है। ये देखें, हमारा तीरा जो कि बर्ड है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि तेरा एक्स्ट्रा कटिंग होगा। हमारा जो कि एग्जैक्ट कटिंग है वो पैनल की है। आपने इसका सेंटर, तीनों का सेंटर बिल्कुल एहतियात के साथ मैच करना है और कोनों से आपने बिल्कुल एक सा इनको दबाव को दे के आपने इनको सिलाई लगानी है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, तीनों पैनल का जो कि दबाव है वो आपने बिल्कुल एक सा देना है और आपने एक से ही नहीं है, इस पर आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं लगानी वरना तीरा आपका अटैच सही नहीं होगा और सूट की फिनिशिंग भी सारी ख़राब हो जाएगी। आपने बिल्कुल एहतियात के साथ ये स्टेप फॉलो करना है। आपने इसका सेंटर मैच करना है। सेंटर मैच करने के बाद इसका जो दबाव है, तीनों पैनल बिल्कुल बराबर रखने और सिलाई एक सी लगानी है आपने। ये देखें, बिल्कुल एहतियात के साथ आपने सिलाई लगानी है इनकी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए, हमारी बॉडी कम हो रही है, कोई इशू नहीं है, इस पर हम इसको काट देंगे। एक्स्ट्रा लॉन्ग जो कि हमने, जब हम इस पर बाजू लगाएंगे तो काट देंगे। ये देखें, हमारा बैक पैनल पे तीरा अटैच हो चुका है। ये देखें, ये आ गया, ये एक्स्ट्रा है इसको। ये देखें, हमारा सेंटर मैच है। ये एक्स्ट्रा आपने बेशक बिला शक आप काट दें या जब आप बाजू इसके साथ अटैच करें आप उस वक्त काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब हम इसको फ्रंट वाले पैनल के साथ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बैक वाला पैनल बिल्कुल सीधा रखना है, यानी कि सीधी वाली साइड आपने इसकी ऊपर रखनी है। ये देखें, और फ्रंट वाले पैनल बैक वाली साइड हमेशा बैक वाली सीधी रखनी है और फ्रंट वाले की सीधी उसके साथ मैच करनी है, उसके साथ यानी कि सीधी के साथ सीधी टच हो जाए। ये देखिए, हमारा जो कि बैक वाला पैनल था इसको पहले आपने नीचे रखना है, फ्रंट वाला पैनल उसके ऊपर रखना है। जो तीरे का दूसरा पैनल था नीचे नीचे है उसको आपने फ्रंट वाले के ऊपर करना है। ये देखें, इस तरीके से हमारा जो एक पैनल है तीरे का वो नीचे आ जाएगा, फ्रंट वाला पैनल हमारा सेंटर में आ जाएगा और तीरे का जो दूसरा पैनल है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। अगेन आपने इसका भी अलाउंस सेम रखना है, इसका दबाव सेम रखना है और इसकी सिलाई भी बिल्कुल सीधी रखनी है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हमारे जो सिलाई के होते हैं वो यही होते हैं। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ये देखें, तीरा आ गया, बॉडी आ गई और ये तीरा आ गया। ये देखें, अगर पैनल एक ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें आप बाद में आपको पता चल जाएगा, आपकी सिलाई लगने के बाद उसमें झोल आ जाएगा या आगे आएगा या वाला बैक की साइड आएगा या फ्रंट की साइड आ जाएगा। एक वाली साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी वाली साइड को अटैच करेंगे। अगेन उसी तरह नीचे तीरा आएगा, सेंटर में हमारा फ्रंट वाला पैनल आएगा और तीरे का जो दूसरा हिस्सा है वो अगेन फ्रंट वाले के ऊपर आएगा। ये देखें, नीचे फ्रंट आ गया और ये तीरा उसके साथ अटैच करेंगे हम। ये देखें, ये आ गया। अब इसको भी आपने बिल्कुल एहतियात के साथ सिलाई लगानी है। अपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने बल्ब बल्ब वगैरह नहीं दे देना। ये स्टेप जो है ना आपने बिल्कुल एहतियात के साथ करने हैं। ये देखें,
अगेन आपने इन तीनों का अलाउंस एक सा रखना है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपका पैनल या कम ज़्यादा हो रहा है तो बैन के साथ या आर्मोल के साथ जब आप बाज वोल्टेज करेंगे तो आप उसके साथ उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमारा जो कि तीरा है वोल्टेज हो चुका है ऑलमोस्ट, ये देखिए अब हम सीधा करके आप दिखाएंगे कैसा अटैच हुआ है। ये देखें फ्रंट के साथ भी अटैच हो गया, बैक के साथ भी अटैच होगा, ये सीधी साइड और बैक वाले की भी और फ्रंट वाले की भी सीधी साइड आ गई है। देखें किसी किस्म का इसमें झोल नहीं है, देख सकते हैं आप बिल्कुल ही प्यारे तरीके से लगा हुआ है। ये देखें कैसी लगी आज की वीडियो बताएं हमें कमेंट्स में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।